फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैमिली गोल्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं उत्तम नगर मार्केट, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मैम होनी बार तो जा चुकी हैं, दो दो बार तो जा ही चुके हैं और मैं नहीं मम्मी हाँ नहीं गई हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं अद्दू के लिए लहंगा सर्च करने। हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, वहाँ के भी मार्केट सुना काफ़ी अच्छी है, आर्य समाज मार्केट वगैरह। तो अभी हम लोगों ने मतलब पूरा डीपली इतना मार्केट में गए नहीं है। हाँ, उत्तम नगर कई बार गए हैं, वहाँ पे और चीज़ें ली, लेकिन उस मार्केट में नहीं गए कपड़ों के पर्पज़ से, तो कभी नहीं गए क्योंकि हम लोग ज़्यादा चांदनी चौक प्रेफर करते हैं चीज़ों के लिए। जैसे कि आपको पहले बताया था ना कि भाभी की मेरी बहन की लड़की, हाँ, मेरी बेटी की शादी पड़ी हुई है, तो हम लोग को 22 तारीख को गांव जाना है, तो शादी के कपड़े भी तो खरीदना जरूरी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों का तो हो गया है लेकिन अद्दू की शॉपिंग नहीं हो पाई, अद्दू और अध्ययन दोनों की नहीं हो पाई। हाँ, तो इन लोगों के लिए अभी फिलहाल अभी एक दिन उत्तम नगर जाते हैं, फिर एक दिन तिलक नगर जाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तब देखते हैं क्या करते हैं। तो सागरपुर जाएंगे। तो अभी हम वहाँ पे निकलते हैं, पहुँचने के बाद हम आप लोगों को मिलते हैं, बाय। हम लोग निकल गए हैं, बुआ हम लोग को लेकर जा रही है, अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट हमारी लोकेशन पे। मार्केट में हम आ गए हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैसे तो हम मार्केट में आ चुके हैं, अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग रही है यहाँ पे आज ना, तो यहाँ पर इतनी कुछ खास वीडियो बन नहीं पाएगी। वहाँ पर शॉप पर देखें क्या एक बारी, यहाँ शॉपिंग करके आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ही थक गए हैं क्योंकि बाज़ार में इतनी भीड़ थी कि मतलब सब लोग एक दूसरे से वो हो जा रहे थे, टच हो जा रहे थे, अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और अब बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं और खाना भी अभी बनाना है, तो पहले तो जोरों वाली चाय की तलब उठी है, तो पहले मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि घर में कोई था नहीं, ना मैं थी ना मोनी, तो चाय भी नहीं बनी है, तो मैं पहले अब सबके लिए चाय बनाऊंगी, हम लोग बैठ के पहले चाय पियेंगे। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके, पहले चाय बनाऊंगी। अब यहाँ मैं आ गई हूँ चेंज वेंज करने के बाद चाय बनाने के लिए, तो यहाँ एक तरफ दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए और एक तरफ चाय रखी हूँ। तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है चाय रखने में, मुझे 8:15 बज गए हैं चेंज वगैरह करने में, तो मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस दाल चावल ही बनाऊँगी। और सबसे पूछी भी हूँ तो लोग बोले हैं कि दाल चावल ही बना दो, तो पहले मैं तो सबके लिए चाय छान रही हूँ, अब हम लोग एक साथ चाय पी लेंगे, इसके बाद फिर मैं खाना की तैयारी करूँगी। तो खाना की तैयारी क्या करना है, दाल चावल बनाना है फटाफट, हो तो हो जाएगा। इतनी ज़्यादा हम लोग शॉपिंग करने गए लेकिन कुछ भी नहीं ले पाए, बस अद्दू का लहंगा लिए और इसके बाद हम लोग घर आ गए क्योंकि इतनी भीड़ थी और ज़्यादा कुछ हम लोग को मिला भी नहीं। तो अब यहाँ चाय वो पी के हम लोग आ गए हैं, अब मैं यहाँ दाल रख रही हूँ, पहले दाल बनाऊँगी, दाल के साथ ही मैं चावल भी धो लेती हूँ। तो यहाँ दाल रखूँगी एक तरफ और दूसरी क्या दूसरी जगह जाके मैं चावल है ना रखूँगी मूली। तो अभी तो अध्ययन का तो आ गया एड्रेस, लेकिन अभी इन सबों के लिए जूता और सैंडल वगैरह लेना है, अद्दू के लिए भी और अपने मुनी के लिए भी लेना है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे दिन जाएंगे। आज तो बस अद्दू का लहंगा ही हो पाया, और उसी दिन अद्दू का बर्थडे भी है, तो उसके कह रही है कि जयमाल के समय मैं लहंगा पहनूँगी और केक काटने के लिए मुझे दूसरा ड्रेस चाहिए, तो अभी उसको भी हम लोग वहाँ देखे लेकिन हमें मिला नहीं, तो अब दूसरे दिन उसके लिए जाएंगे। अब यहाँ हमारी बातें करते करते दाल भी हो गई, दाल मैं खाली करके उसी कुकर में फिर चावल रख दूँगी, चावल एक तरफ मैं धो के रखी थी पहले से ही, जब दाल धोती हूँ उसी टाइम चावल भी धो के रख देती हूँ, ऐसे मतलब ऐसे बनाने पर चावल बहुत हल्का बनता है और अच्छा भी बनता है। यहाँ दाल चावल हमारा बन के तैयार हो जाएगा, और मैं सुबह की सब्ज़ी घिया की बनी बनाई थी,
तो पड़ी हुई है और सुबह सुबह मैंने दो सब्जियां बनाई थी, तो सोया चाप और घिया की सब्जी बनाई थी, तो सोया चाप ही खाए सब लोग, घिया की सब्जी बच गई है। तो मम्मी बोली कि दाल चावल बना दो, घिया की सब्जी से हम लोग खा लेंगे। तो वही मैं, अब दाल चावल मेरा बन गया है, अभी कोई खाना नहीं खाया है, सब लोग कह रहे थे रुक के खाएंगे। तो फिर मैं खाना बनते ही सोची अपना गैस वगैरह साफ़ कर लूँ, तो मैं किचन, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा, सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम करके हम लोग लेट जाएं। सुबह भी तो जल्दी उठना होता है क्योंकि बच्चे अद्दू को भी स्कूल जाना है, लक्की को और हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो यहाँ मैं अद्दू के लिए पहले खाना निकाल रही हूँ। अद्दू घिया की सब्जी करी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे दाल चावल दे दो और सलाद काट के दे दो। तो सलाद में भी टमाटर और प्याज नहीं खाती है, बस खीरा खीरा खाती है। तो वहीं खड़ी होकर मुझसे पूछ रही थी सैलेड में तो मैं सिर्फ खीरा खाती हूँ। तो मैं बोली कि हाँ, वैसे तो रात में खीरा खाना नहीं चाहिए, मना करते हैं सब लोग, लेकिन अद्दू मानती नहीं, उसको खीरा ही पसंद है। तो उसके लिए मैं खीरा काटी हूँ। उसको दाल मिक्स कर चावल दो। घी डाल के ऐसे मिला के देना पड़ता है, खुद से नहीं मिला के खाती है, उसको मिला के मैं दे रही हूँ। बस गाइज, हम लोग का खाना पीना अब हो गया है और रात के बज रहे हैं 10:30, और अद्दू तो सो गई है। मैं अभी सब्जी काट रही थी तो अध्ययन मेरे साथ जाग रहा है क्योंकि ये दिन में सो गया है और इसको स्कूल भी नहीं जाना है। इसकी छुट्टियां चल रही है और अद्दू को जाना है, उसकी छुट्टियां नहीं चल रही हैं। इसकी छुट्टियां क्यों चल रही है अब यही बताएगा। बताओ अध्ययन, क्यों छुट्टियां चल रही हैं? पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हो चुका है इसीलिए अंकुर तो सिर्फ छुट्टी हो चुकी है। मेरा तो सही है, उसको स्कूल जाना पड़ता है। हाँ, तो अध्ययन तो बहुत खुश है कि इसकी छुट्टियां पड़ गई हैं और अद्दू को स्कूल जाना पड़ता है। तो अब मैं अपने ब्लॉग कहीं एंड करती हूँ और अब मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।